अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आप देख रहे हैं माइंड ब्लोइंग कुकिंग बाय नादिया। और आज की जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये रेसिपी बहुत से शेफ्स ने बनाई है, बहुत से चैनल्स पर आप इसको देखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी ट्विस्ट लेके आई हूँ और थोड़ा सा ये मैं डिफरेंट रेसिपी जो कि बहुत इजी तरीके से और बहुत ही टेस्टी बनती है, तो मैं अपने ही मेथड से लेके आई हूँ इसको। उम्मीद है आप इसको देख के इंजॉय करेंगे और आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो आइए चिकन टिक्का पर्दा बिरयानी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 800 ग्राम चिकन लिए हुए, छोटे छोटे पीस हैं इसके। एक कप इसमें जाएगा दही, दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, पाँच चम्मच टिक्का मसाला, एक चम्मच नमक, दो चम्मच गरम मसाला और दो चम्मच सिरका। बस अब इसको आप एक घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ दें। यहाँ पे हम मसाला बनाएंगे, तो मसाले के यहाँ पे मैंने लिया है एक कप ऑयल, उसमें दो मीडियम साइज़ के अनियन मैंने स्लाइस करके डाली हुई है, प्याज को हमने अच्छी तरह से गोल्डन कर लेना है, थोड़ी सी प्याज मैंने निकाल ली है ऊपर सर्विंग के लिए, और बाकी जो प्याज है तो इसमें जो हमने मैरिनेट की हुई चिकन थी अब वो ऐड करेंगे। इसमें आपको और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने चिकन में ऑलरेडी सब कुछ डाला हुआ था। अब यहाँ पर मैं ये दो टमाटर और 12 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, तो उनका मैंने पेस्ट बना के डाला है, और एक पैकेट बिरयानी मसाला, कोई भी आप बिरयानी मसाले का पैकेट लेके आप इसमें डाल लें। अब इसको ढक के हमने कुक करना है, तो जितनी देर हमें चिकन को कुक करने में लग जाते हैं उतनी देर तक हम पर्दा बिरयानी जो है तो इसके लिए आटा बना लेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है दो कप मैदा, और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चौथाई चम्मच बेकिंग पाउडर और एक चम्मच नमक, और जो हमारे घर में नॉर्मल आटा यूज़ होता है व्हीट फ्लोर मैंने वही लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको गूंदेंगे जिस तरह नॉर्मल आटा गूंदते हैं, एंड में थोड़ा सा ऑयल, एक दो चम्मच ऑयल डाल के इसको आपने गूंदना है। इसको गूंद के तकरीबन आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ देना है। अब ये देखिए यहाँ पे हमारी चिकन जो है वो बिल्कुल गल गई है, और हमें मसाला जो है वो इतना ही चाहिए, बिल्कुल हमने ड्राई इसको नहीं करना, थोड़ा सा इसका मसाला रहना चाहिए। साथ में मैंने चावल भी बॉईल कर लिए हैं, ये 1 किलो चावल हैं, 5 चम्मच नमक और पानी डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया है, तकरीबन 90% इसको आपने बॉईल करना है। अब इसके बाद हमने आटे को जो हमने गूंदा था उसको हमने बेलना है, इसको हमने राउंड शेप देनी है। इस रोटी को हमने ज़्यादा थिन नहीं बेलनी, थोड़ा सा हमने इसको थिक ही रखना है। ये देखें ये बेल चुकी है। अब इस तरह से कोई भी आप कढ़ाई ले लें और उसको आप ग्रीस कर लें इस तरह से, और इस तरह से रोटी को फोल्ड करके आपने कढ़ाई में लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है। अब इस तरह से सेट करके इसके अंदर अब हम लेयरिंग करेंगे, जैसे हम अपनी बिरयानी की लेयर करते हैं वैसे ही। पहले हमने चावल डालने हैं, उसके बाद हमने चिकन रखनी है, और चिकन के ऊपर थोड़ा सा मसाला भी डाल लेना है। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आपने इसको ओवरलोड नहीं करना, चावल भी कम डालने हैं और चिकन भी कम ही डालना है, मतलब एक पोटली में जितना आ सकते हैं, जितना आप इसको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे चावल थोड़े ज़्यादा हो गए थे, फिर मुझे उसको हैंडल करना मुश्किल हो गया था, बहुत भारी हो गया था फिर वो, इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप चावल और चिकन की मिकदार को कम रखें। लेयरिंग के साथ मैंने हरा धनिया और हरी मिर्ची भी डाली हैं, और अब थोड़ा सा ज़रदा कलर और जो हमने प्याज बचाई थी एंड में मैं वो डाल रही हूँ, और जो उसका ऑयल है चिकन का तो वो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ ताकि बिरयानी ज़्यादा ड्राई ना लगे। अब इसको इस तरह से आपने इकट्ठा करके फोल्ड कर लेना है सारे साइड्स को, अच्छी तरह से सील करके इसको आप तेज़ आंच पे तकरीबन 3 मिनट के लिए छोड़ दें इसी तरह।
तीन मिनट में नीचे से ये इसकी साइड जो है ये गोल्डन हो जाएगी। और इसको अब हम पलटेंगे। तीन मिनट हो चुके हैं, अब इसको मैं पलट रही हूँ, तो इसको मैं पलट के आपको दिखाती हूँ। इसके बाद ये देखें पलट गई है। अब इसके बाद हम इसको ढक के 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको कुक करेंगे, ताकि नीचे से भी ये पक जाए और दम अच्छी तरह से हो जाए। तो ये पूरे 8 मिनट में ये देखें अच्छी तरह से दम हो गई है और दोनों तरफ से पर्दा जो है वो भी कुक हो गया है। अब मैं इसके राइस आपको दिखाती हूँ कितने अच्छी तरह से ये देखें दम हो गए हैं चावल भी, और अंदर से रोटी भी पक गई है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त चावल हमारे टिक्का बिरयानी जो है वो रेडी है। बहुत ही इजी तरीके से ये टिक्का बिरयानी बनती है। आप इसको ट्राई करें, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।